नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन प्रताप आपके अपने टेक्निकल चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोगों तक लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। इससे पहले की दो वीडियोज भी काफ़ी अच्छी वीडियोज हैं, उनको आप जरूर देखें, काफ़ी कुछ आप लोगों को उससे सीखने को मिलेगा। मेरे कुछ दोस्तों का मेरे पास कमेंट आता है कि सर ये जीरो क्रॉस क्या होता है, जीरो क्रॉस डिटेक्शन क्या होता है और जीरो क्रॉस डिटेक्शन को कहाँ हम यूज करते हैं, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, क्या काम में ये आता है, तो उसको यहाँ पे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से, सिंपल तरीके से, आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जीरो क्रॉस क्या होता है, कहाँ पे इसको हम यूज करते हैं। दोस्तों जीरो क्रॉस को समझने के लिए हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हम बड़ी आसानी से जीरो क्रॉस को समझ पाएंगे। ये अल्टरनेटिंग करंट की वेवफॉर्म है, एसी वेवफॉर्म जिसको हम बोलते हैं। अगर इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। पहले करंट की डायरेक्शन ये थी, उसके बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और उसके अगले हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाती है। हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन करंट की डायरेक्शन चेंज होने से पहले करंट को एक बार जीरो होना पड़ता है। यहां पर देखिए ये जीरो है, ये आपका एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम पे जाता है, फिर एम्पलीट्यूड आपका यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाता है, फिर करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, फिर वो मैक्सिमम पे जाता है, फिर यहाँ पे फिर से वो जीरो होता है, फिर मैक्सिमम जाता है, फिर जीरो होता है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज होने के लिए एक बार करंट को जीरो होना पड़ता है और फिर से करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, वो आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाता है जितना हमारे पास सोर्स है। हर हाफ साइकिल के बाद करंट को एक बार जीरो होना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं, और जहां पे भी ये करंट जीरो को क्रॉस करता है उसको बोलते हैं जीरो क्रॉस, जीरो क्रॉस, ये है जीरो क्रॉस, इसने यहां पे जीरो को क्रॉस किया है करंट ने। अगर हमारा 50 हर्ट्ज की साइकिल है, फ्रीक्वेंसी है, तो आपका ये टोटल हाफ साइकिल रहता है ये आपका 10 मिली सेकेंड का, हर हाफ साइकिल आपका 10-10 मिली सेकेंड का रहता है। अब जिस प्रोसेस से हम पता करते हैं कि कहां कहां पे हमारी जो अल्टरनेटिंग करंट है उसने जीरो को क्रॉस किया, उसको बोलते हैं जीरो क्रॉस डिटेक्शन। और वो सर्किट जिसकी मदद से हम जीरो क्रॉस को डिटेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं जीरो क्रॉस डिटेक्टर सर्किट। अब इसको, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें जीरो को क्यों आपको डिटेक्ट करना है, क्यों पता करना है कि एसी वेवफॉर्म की कहां कहां पे जीरो है, उसके लिए काफी जगह पे हम इसको अप्लाई करते हैं। एससीआर या ट्रैक की फायरिंग में भी इसको हम यूज करते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं यहां पे कि एक एग्जांपल के तौर पे मेरे को एसी बल्ब है और उसकी पावर को हमें कंट्रोल करना है, तो उसके लिए मैं यहां पे ये दो एसीआर मानो या फिर आप एक ट्रैक मानो, ये मैंने लगा दिया है। दोनों एसीआर को अगर बैक टू बैक कनेक्ट करेंगे तो वो आपका ट्रैक रहता है। ये मेरा यहाँ पे बल्ब है, एसी बल्ब है, ये न्यूट्रल और ये आपका लाइन 240 मान लेते हैं एसी इनपुट वोल्टेज है। मैं चाहता हूं कि इसको जो है पावर कंट्रोल करूं और इसको हाफ पावर पे ही मैं इस बल्ब को ऑन करूं। मैं चाहता हूं कि ये जो पावर यहां पे इसको है वो हाफ पावर पे ये ऑन हो, बल्ब पावर को कंट्रोल करना चाहता हूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे। पावर को कंट्रोल करने का मतलब अगर मैं 50% टाइम के लिए इसको ऑन करूं और 50% टाइम के लिए इस ट्रैक को मैं बंद रखूं तो यहां पे इसको 50% ही पावर मिलेगी, 50% को यहां पे ये रोक लेगा, आगे डिलीवरी ही नहीं करेगा, तो पावर कंट्रोल हो गई। एक एग्जाम्पल के तौर पर चाहे तो हम उसको 20% भी रोक सकते हैं, 30% भी, जितना भी चाहें आप। तो 50% का एक एग्जांपल लेते हैं, तो 50% तक अगर मैं मुझे इसको पावर देनी है तो इसका मतलब ये टोटल टाइम जो है हाफ साइकिल का ये 10 मिलीसेकंड है, तो मैं इस एसीआर को क्या करूंगा कि 5 मिलीसेकंड के बाद ही इसकी गेट पे पल्स देके इसको ऑन करूंगा। शुरू के 5 मिलीसेकंड तक इसको मैं
ये देखो जी, 5 मिलीसेकंड तक हमने क्या किया, इसको गेट पे पल्स नहीं दी, तो ये आपका 5 मिलीसेकंड तक ऑन ही नहीं हुआ। उसके बाद हमने इसको ऑन किया, तो ये इसको इतने टाइम के लिए, अगले 5 मिलीसेकंड के लिए ऑन होता है, तो इसको 50% ही पावर उसको बल्ब को मिलेगी, 50% पावर हमने कंट्रोल कर ली। और उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे ही अगले जो करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तब भी हम क्या करेंगे, शुरू के 5 मिलीसेकंड के लिए इसको रखेंगे ऑफ, और अगले 5 मिलीसेकंड के लिए इसकी फायरिंग को ऑन करके इसको हम आगे पावर को डिलीवर करेंगे, तो दूसरे हाफ साइकिल में भी इसको 50% ही पावर यहाँ पे मिलती है। शुरू की 50% पावर को हमने गेट पल्स को ना दे के यहाँ पे इसको रोक दिया। अब ऐसा करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये इसका जो हाफ साइकिल है ये स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग का मतलब कहाँ पे ये जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे जीरो हुआ, जैसे ही ये जीरो को क्रॉस करता है, जीरो होता है, तो हम एससीआर को बंद कर देंगे 5 मिलीसेकंड के लिए, फिर ऑन कर देंगे, फिर जैसे ही जीरो क्रॉस करता है फिर एससीआर को हम ऑफ कर देंगे 5 मिलीसेकंड के लिए, और फिर 5 मिलीसेकंड के लिए ऑन कर देंगे, फिर जैसे ही जीरो को क्रॉस करता है तो शुरू के 5 मिलीसेकंड के लिए हम इसको एससीआर या ट्रैक को हम ऑफ कर देंगे 5 मिलीसेकंड के लिए, और उसके अगले 5 मिलीसेकंड के लिए हम इसको ऑन कर देंगे। तो जब भी हमें जीरो क्रॉस मिलेगी एससीआर को ऑफ करेंगे और उसके 5 मिलीसेकंड के बाद उसको ऑन कर देंगे, अगली जीरो क्रॉस मिलते ही फिर इसको 5 मिलीसेकंड के लिए ऑफ कर देंगे। तो जहां जहां पे हमें जीरो क्रॉस मिलती जाएगी, जीरो वैल्यू मिलती जाएगी, उससे हम माइक्रो कंट्रोलर या सॉफ्टवेयर से हम ये उतने टाइम के लिए इसको कंट्रोल करके और आगे पावर जो डिलीवर होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक तरीका रहता है, ये एक एप्लीकेशन है कि जीरो क्रॉस की हमें जरूरत क्यों पड़ी। इतना हमारे को समझ में आ गया है कि एससीआर और ट्रैक की फायरिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें जीरो क्रॉस को डिटेक्ट करना जरूरी है। अब जीरो क्रॉस को डिटेक्ट कैसे करते हैं, बिल्कुल बेसिक में आपको समझा देता हूं, सर्किट को कभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास ये एसी वेवफॉर्म है, इसको मैं अगर रेक्टिफाई करूंगा तो दो तरीके से कर सकता हूं। अगर मुझे पॉजिटिव डीसी चाहिए तो मैं इसको, ये हम आउटपुट इसकी ले सकते हैं, ये पॉजिटिव डीसी है, ये आपका डीसी है लेकिन आपका पॉजिटिव डीसी है। अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल को लेके और पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करूं तो ये आपका पॉजिटिव है। दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, ये वाला, ये नेगेटिव डीसी है, ये एक तरीका है। दोनों तरीके को यूज करके जीरो क्रॉस को डिटेक्ट किया जा सकता है। हम ये वाला तरीका लेते हैं, आसानी से आपको समझ में आएगा, नेगेटिव वाला। हमने नेगेटिव डीसी बनाई है, ये पल्सेटिंग नेगेटिव डीसी है, इसको हमने फिल्टर नहीं किया है अभी, ये आपकी नेगेटिव डीसी है। अगर मैं इस डीसी को ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर शिफ्ट करूं, इसके लेवल को उठाऊं थोड़ा सा, तो क्या रहता है, ये यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं, तो रहता है जी ये, ये जो है यहां पे आपको ये नेगेटिव है सारा, लेकिन अगर मैं इसको शिफ्ट करूं सर्किट की मदद से तो जहां जहां पे भी ये जीरो है वहां पे ये जो है आपका इसे ग्राउंड से ऊपर आ गया, यानी कि ये पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, ये मान लीजिए 1 वोल्ट पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, मैं मान लेता हूं 1 वोल्ट। इससे पहले यहाँ पे पॉजिटिव साइड में कुछ भी नहीं था, मैंने इसके पूरे को शिफ्ट किया, इसके लेवल को शिफ्ट किया, तो जहां जहां पे भी जीरो है वहां वहां पे हमारे को 1 वोल्ट मिल जाएगी। चाहे तो आप 0.7 ले सकते हैं, 1.2 ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर इतना शिफ्ट किया कि जहां पे भी जीरो है वहां पे मुझे पॉजिटिव 1 वोल्ट मिल गया, जहां जहां पे भी जीरो है वहां पे मुझे पॉजिटिव 1 वोल्ट मिल गया। अब इस 1 वोल्ट की मदद से मैं ट्रांजिस्टर को ऑफ भी कर सकता हूं, ट्रांजिस्टर को ऑन भी कर सकता हूं। अगर एनपीएन लेता हूं तो मैं इसको ऑन कर सकता हूं, पीएनपी लेता हूं तो उसको ऑफ कर सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देखते हैं एक बार,
ये आपका 10 के का मैंने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे प्लस 5 वोल्ट है और ये आपका ट्रांजिस्टर है, कोई रेजिस्टेंस लगा लेते हैं यहाँ पे। जब ये ट्रांजिस्टर आपका ऑफ है तो आपको यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगी। यहां से अगर आउटपुट लेते हैं तो यहां से अगर आउटपुट लेते हैं तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ है तो आपको 5 वोल्ट मिलेगी, ये अगर ऑन है तो आपको ये ग्राउंड से ऑन होके जीरो हो जाएगा। जहां पे भी जीरो है वहां पे अगर मैं इस ट्रांजिस्टर को क्या कर देता हूं, ऑफ कर देता हूं, तो हमारे को क्या मिलेगा, देखिए परमानेंट ये आपका ऑन है तो जीरो मिलेगा, जैसे ही 1 वोल्ट आएगी तो ये ऑफ हो जाएगा, ऑफ होते ही यहां पे 5 वोल्ट मिलेगी। कितने टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए यहां पे ये पॉजिटिव 1 वोल्ट आई है, फिर से ये आपका नेगेटिव जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा, फिर अगली जीरो के ऊपर हमें फिर से ये एक पल्स के रूप में मिलेगा यहां पे। तो इस तरीके से जहां जहां भी जीरो है वहां वहां पे हमें 5 वोल्ट की एक पल्स मिल जाएगी, जिसको माइक्रो कंट्रोलर डिटेक्ट करेगा और उसके हिसाब से एससीआर या ट्रायकी या भी जो भी चेंज और उसको करना है कंट्रोलर को सॉफ्टवेयर में वो आपका कर सकता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सर्किट को यूज करके ये जीरो क्रॉस की जो पल्स है वो हमारे को, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया भी था वेवफॉर्म, वो आपको मिल जाती है। ये सर्किट अलग अलग आप यूज कर सकते हैं, ऑप्टो कपलर भी यूज कर सकते हैं, कंपेरेटर भी यूज कर सकते हैं, कोई ट्रांजिस्टर यूज भी कर सकते हैं, वो आपका अलग अलग आप यूज कर सकते हैं। बेसिक ये रहता है कि हमें पता लगे कि जीरो क्रॉस हमारी कहाँ पे हुई है। ये सभी सर्किट में आप कभी मौका लगेगा तो इसके सर्किट को भी डिटेल में हम समझेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में उनको शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार मिलती रहे। बाकी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और अलग अलग तरह के जो अप्लायंसेज हैं, डिवाइसेज हैं, उनकी रिपेयरिंग की वीडियोज मैंने अपलोड की हैं। थैंक यू दोस्तों।